आते हैं, जेडीए की कार्रवाई जारी है, तस्वीरें भी दिखाएंगे साथ ही साथ जानकारी भी देंगे। आपको बताएं कि जेडीए ट्रिब्यूनल में सुनवाई भी हुई, फिर आदेश दिया गया और उसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं, शिवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, देखिए आदेश का इंतजार तो किया जा रहा था और आदेश मिल भी गया, उसके तहत ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जरा दिखाइएगा तस्वीरें और अपडेट भी दर्शकों को बताइएगा कि कितनी कार्रवाई हो चुकी है अभी तक। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको दीपिका। भूपेंद्र सारण जो गैंग का माफिया है, नकल माफिया, उसके मकान के काफ़ी हिस्से को तोड़ा जा चुका है और हमारे साथ रघुवीर सैनी, उनसे हम बातचीत करते हैं एक बार के आगे की क्या कार्रवाई है। रघुवीर जी, ये बताइए सर कि क्या आज की कार्रवाई पूरी हो गई है? जी हाँ, परिवर्तन संबंधी कार्रवाई सूर्यास्त तक हो सकती है। हमने आज इतनी कार्रवाई, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जेडीए का जो आदेश आया अविलंब हमने प्रारंभ की थी और सूर्यास्त तक जो कार्रवाई हो सकती थी वो हमने की है। कितना आप मान के चल रहे हैं, अगर मान लीजिए 100% अपन चिन्हित करें, जितना आपने चिन्हित किया था उसमें से कितना फीसदी अभी तक निर्माण हटा दिया होगा? करीब लगता है कि करीब 20% हुआ है। अभी 20% हुआ है तो कल सर मान के चलें कि पूरे दिन कार्रवाई चलेगी आपकी? देखिए, चूँकि आवास से संबंधित है, अगल बगल में निवास बने हुए हैं, उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, इसलिए पूरी एहतियात सतर्कता के साथ हम कार्रवाई को अंजाम देंगे। देरी लगे लेकिन सुरक्षा के साथ में, किसी को नुकसान नहीं हो, इसलिए देरी लगे ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या ये सर कार्रवाई माफिया के लिए संदेश है कि आगे भी अगर इस तरीके के लोग होंगे तो उन पर इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई करेंगे? जी निसंदेह। देखिए, तात्कालिक कारण पूर्व में भी मैंने कहा कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण तात्कालिक कारण है। राज्य सरकार का पेपर लीक प्रकरण के अभियुक्तों के प्रति ऐसे प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसीलिए ये तात्कालिक कारण है। और आधार अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण है, जिसको माननीय ट्रिब्यूनल जेडीए ने भी हमारी बात को सही माना है। जिस तरीके से आपने कानूनी तैयारी की, उससे भी इस कार्रवाई की राह प्रशस्त हुई। अभिषेक भी वहां से जुड़े हैं। अभिषेक, क्योंकि बताया जा रहा है कि 20% के आसपास कार्रवाई हो चुकी है, जो लीगली टेक्नैलिटी थी और जो कह रहे थे कि आप हाईकोर्ट का रास्ता खुला हो सकता है, तो मानकर चले अभी तो रास्ता बंद ही हो गया जब कार्रवाई शुरू हो गई। तो इसलिए निसंदेह हमें भी न्याय व्यवस्था में विश्वास था कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो 20% के आसपास कार्रवाई हो चुकी है और 80% के आसपास अभी वहां और तोड़ा जाना बाकी है। शिवेंद्र लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, एक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे थे, अब उसका कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, आपको लगता है? फिर भी कानूनी पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए सारण परिवार उधर रुक कर सकता है? जेडीए ने कैविएट दायर कर रखी है, इसका मतलब साफ है कि बिना जेडीए का पक्ष जाने सारण परिवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, कल शनिवार की छुट्टी भी है। तीसरा, जिस तरीके का ग्राउंड है, जिस तरीके से इसमें साफ दिख रहा है केस। ठीक है शिवेंद्र, आप बने रहिए, अभिषेक हमारे साथ बन गए हैं। अभिषेक, मानकर चले अब हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैविएट जेडीए ने दायर की हुई है। कल शनिवार है, फिर रविवार है, तब तक ये जो भी अतिक्रमण का हिस्सा है वो टूट जाएगा। बिल्कुल, दो दिन की लगातार छुट्टी है, तो जो कैविएट भी दायर करके, कैविएट दायर करने का मतलब यही है कि पहले जेडीए का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही हाईकोर्ट मामले में कोई आदेश जारी कर पाएगा। जो एक पक्षीय आदेश जारी नहीं हो, इसीलिए जो है जेडीए ने कैविएट आज यहां पर लगा दिए। जेडीए आज 3 मोर्चों पर तैनात था। जेडीए ट्रिब्यूनल में जो जेडीए की टीम लगी हुई थी, वरिष्ठ अधिवक्ता थे ताकि मामले में मजबूती से पक्ष रखा जाए। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में एक टीम थी जिसने आज कैविएट लगाने की काम किया। और तीसरा, एहतियातन जो है यहाँ पे टीम पहले से तैनात थी ताकि जेडीए ट्रिब्यूनल का जैसे ही ऑर्डर आया और ऑर्डर आते ही कार्रवाई शुरू हो जाए, तो वैसे ही आज हुआ। आज सूर्यास्त 5:50 पे कार्रवाई बंद कर दी गई, क्योंकि नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोजर नहीं चलता है, बंद कर दी गई। आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी ने भी पहले दिखाया कि किस तरह से जो निर्माण है उसको तोड़ा गया, किस तरह से जो निर्माण था, ये जो 15 फीट का आगे का जो सेटबैक है उसको
हटाने का है और कल का जो कार्यक्रम है कल सुबह। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवेंद्र आपका भी शुक्रिया वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए वक्त